Hello students, I am Sujata Chauhan and this is my second video lecture on the lesson The Little Girl by Catherine Mansfield. आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली वीडियो जहाँ पर समाप्त की थी वहाँ से एक बार दोहरा लेते हैं. Let's recall. But it was for your birthday, परंतु यह आपके जन्मदिवस के लिए था पिताजी, केजिया अपने पिता से कहती है. Down came the ruler on her little pink palms, और छड़ी नीचे आती है और उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ती है. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl, और काफ़ी घंटे बीत जाते हैं जब दादी माँ उसे अपनी शॉल में लपेटती है and rocked her in the rocking chair, और आराम कुर्सी पर झूला झुलाती है. The child cuddled close to her soft body, और छोटी लड़की केजिया अपनी दादी की मुलायम शरीर से लिपट जाती है. What did Jesus make father for? She sobbed, और वह रोते हुए सिसकियाँ भर रही है और सिसकियाँ भरती हुई अपनी दादी से पूछती है कि ईश्वर ने पिता को किस लिए बनाया. Here's a clean hanky darling with some of my lavender water on it. ये साफ रुमाल ले लो मेरी बच्ची, और जिस पर थोड़ा सा लेवेंडर की खुशबू वाले परफ्यूम की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं, ये रुमाल तुम ले लो. गो टू स्लीप, और सोने चली जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे पिता से बात करने की कोशिश की थी परंतु वे आज रात इतने गुस्से में थे, इतने अपसेट थे कि उन्होंने आज मेरी कोई भी बात सुनने को वो तैयार नहीं है. मेरी कोई भी बात सुनने से उन्होंने मना कर दिया. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु बच्ची कभी नहीं भूल सकी. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी व्हिप्ड बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने एकदम से अपने हाथों को पीछे छिपा लिया. एंड ए रेड कलर फ्लू इंटू हर चीक्स, और उसके गालों पर लालिमा छा गई. वह इतनी डर गई कि डर के कारण उसके गाल लाल हो गए. द मैकडोनल्ड्स लिव इन द नेक्स्ट डोर हाउस, और उनके घर के साथ वाले घर में मैकडोनल्ड नामक परिवार रहता था. फाइव चिल्ड्रन देयर वर, और उनके पांच बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए होल इन ए वेजिटेबल गार्डन फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और सब्जियों के बगीचे में लगी बाड़ में एक छेद हो रखा था और उस छेद में से शाम को खेलते खेलते केजिया ने उस परिवार को देखा, मैकडोनल्ड परिवार को देखा. द फादर विद द बेबी मैक ऑन हिज शोल्डर्स, और जो परिवार के पिता हैं मैकडोनल्ड परिवार के, उन्होंने अपनी बच्ची को मैक को अपने कंधे पर बिठा रखा था. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट टेल्स, और की जेब को पकड़े हुए झूल रही थी, वे लटक रही थी उनकी कोट की जेब पर. रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, और वे फूलों की कैरियों के चारों ओर भाग रही थी, कैरियों के चक्कर लगा रही थी और हंसी से हिल डुल रही थी. शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार तो केजिया देखती है कि मैकडोनल्ड परिवार के जो लड़के हैं उन्होंने अपने पिता के ऊपर पाइप से पानी गिरा दिया. एंड ही मेड ए ग्रेट ग्रैब एट देम, और हंसते हंसते उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रहे थे. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और उन्हें देखकर तभी केजिया ने ये धारणा बना ली कि पिता भी अलग अलग तरह के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर ड्रॉव इन टू टाउन इन ए क्लोज्ड कैरिज, और एक दिन अचानक केजिया की माँ बीमार पड़ गई और वह दादी के साथ अस्पताल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द जनरल, और छोटी लड़की केजिया घर में खाना पकाने वाले जनरल एलिस के साथ अकेली रह गई. डेट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और दिन भर सब कुछ ठीक रहा. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जब एलिस केजिया को रात को बिस्तर पर लिटाने जाता है तो केजिया अचानक डर लगना शुरू हो जाता है, अचानक डरने लग जाती है केजिया. What will I do if I have nightmare? She asked. और वो एलिस से पूछती है कि अगर मुझे रात को डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी. I often have nightmare and then granny takes me into her bed. एलिस को बताती है कि मुझे आमतौर पर डरावने सपने आते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. What will I do if I do? और उसे कहती है एलिस को कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती और मुझे अंधेरे में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, और आज अगर मुझे वो डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी तो मैं क्या करूँगी. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, और एलिस उसे कहता है बच्ची तुम सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड वेकिंग देम अगेंस्ट द बेड रेल, और एलिस उस छोटी बच्ची केजिया की जुराबे उतारता है और बेड रेलिंग के साथ उन्हें हिट कर झाड़ता है. And don't you holler out and wake your poor pa? और कहता है केजिया से तुम चीखना मत वरना तुम्हारे पापा जाग जाएंगे.
बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप। परंतु वही डरावना सपना जो आमतौर पर केजिया को आता है रात को, वही आज भी उसको आ गया। और उस सपने में केजिया को एक कसाई दिखता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है और एक रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और वह सपने में केजिया के नज़दीक आता जाता है और अपनी डरावनी हंसी के साथ उसको डरा रहा है। वह सपने में केजिया के काफ़ी नज़दीक आ रहा है। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" और केजिया की तरफ लगातार कसाई बढ़ रहा है, जबकि केजिया हिल भी नहीं पाती और स्थिर खड़ी रहती है और चीख मारती है, "दादी माँ, दादी माँ!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और वह कांपती हुई जाग जाती है और उसने अपने पिता को एक मोमबत्ती को अपने हाथ में लिए अपने बेड के पास खड़ा हुआ देखा। What's the matter? He said. और पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ? Oh, a butcher knife. I want granny. और केजिया डर के मारी कुछ नहीं बोल पाती और सिर्फ कहती है, एक कसाई चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle. और पिता मोमबत्ती को फूक मारकर बुझा देते हैं। Bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. और वह फिर झुकते हैं और उन्होंने बच्ची को गोद में ले लिया और बच्ची को गोद में लेकर वे गलियारे से होते हुए अपने बड़े सोने के कमरे की तरफ चले जाते हैं, बच्ची को कमरे में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. बेड पर अखबार रखा था और आधी जली सिगार उनके पढ़ने वाली लैंप के पास रखी थी। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace. उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड पे किया और फायरप्लेस में सिगार जो जली रखी थी उसे फायरप्लेस में फेंक दिया। Then carefully tucked up the child, और फिर बड़ी सावधानी से केजिया को बेड पर लिटाया। He lay down beside her, और उसके पास लेट जाते हैं। Half asleep still, still with the butcher smile all about her, it seemed. केजिया अभी आधी नींद में थी और अभी भी उसे कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसे अपने चारों ओर दिखाई दे रही थी। She crept close to him, और वह अपने पिता के नजदीक खिसक जाती है। Snuggled her head under his arm, और अपने सिर को अपने पिता की बाजुओं के नीचे छिपा लेती है। Held tightly to his shirt, और अपने पिता की कमीज को बड़े कसकर पकड़ लेती है। Then the dark did not matter, she lay still. और अब अंधेरा भी कुछ नहीं कर पाया, वह स्थिर लेटी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिता केजिया से कहते हैं, बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि तुम अपनी पैरों को मेरी टांगों से थोड़ा मल कर गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl, और थके होने की वजह से पिता लड़की से पहले सो जाते हैं। A funny feeling came over her, और लड़की के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. बेचारे पिता इतने भी विशाल काय नहीं थे, उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. और फिर कंपैरिजन करती है अपनी दादी माँ के शरीर के साथ अपने पिता का, कि मेरी दादी माँ के शरीर बहुत ही मुलायम है, लेकिन पिता का थोड़ा हार्ड है दादी से, परंतु यह हार्डनेस अच्छी है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. और कहती है कि उन्हें रोज बहुत मेहनत करनी हो पड़ती है, उन्हें काम पर जाना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं कि वो मैकडॉनल्ड नहीं बन पाते। He had torn up all his beautiful writings. उसने उनके सभी लिखे हुए कागजों को फाड़ दिया था। She stirred suddenly and sighed. और वह थोड़ा हिलती है और आह भरती है। What's the matter? Asked her father. Another dream? और उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या कोई और सपना आया? Oh, said the little girl, my head's on your heart. और बच्ची कहती है कि मेरा सिर आपके दिल के ऊपर रखा है। I can hear it going, और मैं इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear. और आपका कितना बड़ा दिल है मेरे प्यारे पिताजी। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।